सो हे गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का आज की एक और न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आईपैड्स के बारे में। एक है एंड्रॉयड पैड एंड एक है आईपैड। तो बेसिकली बात करेंगे कि BGMI एंड पबजी के लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है। बिकॉज ऑफ गाइस देखो, एक है 2 साल पुराना आईपैड जो कि अपना आईपैड 9th generation है, एंड अभी कुछ समय पहले ही लॉन्च हुआ Xiaomi Pad 6। तो हम पे 2 पैड्स हैं एंड दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि BGMI एंड पबजी में किस में अच्छे परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। मेन जो हमारा मोटिव होगा आईपैड लेने का, पैड लेने का, वो रहेगा अपना BGMI। ठीक है, तो ये वीडियो का कंक्लूजन ये है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इस पैड्स के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो इन शॉर्ट गाइज, मैं बोलूँ स्पेसिफिकेशन के मामले में Xiaomi Pad 6 बहुत 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 अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशंस देता है ये iPad 9 जनरेशन के कंपैरिजन में। बट फिर भी गाइज प्रैक्टिकली देखेंगे किस में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। तो iPad 9 जनरेशन के अंदर आपको मिलती है गाइज 10.2 इंचेस की एक IPS LCD है। 500 nits की ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है। ओवरऑल 60Hz के डिस्प्ले है। एंड गाइज, ओवरऑल मैं बात करूँ, आईपैड्स हैं एंड आप इनको घर में ही यूज़ करने वाले हो तो डिस्प्ले की बात करने में कोई मेन चीज़ है नहीं, क्योंकि ब्राइटनेस वगैरह हर चीज़ में ये आपको परफेक्ट लगने वाला है। बिकॉज ऑफ आउट ऑफ होम तो आप यूज़ करोगे नहीं, तो दिक्कत आने ही नहीं वाली। ब्राइटनेस एकदम परफेक्ट है घर के लिए। ठीक है, बात करें डिस्प्ले की आईपैड Xiaomi Pad 6 की, तो इसके अंदर गाइज आपको 11 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े डिस्प्ले हो जाती है। 144Hz का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। ओवरऑल बहुत ज़्यादा फास्ट रिफ्रेश रेट है, जिसकी वजह से आपको मल्टीटास्किंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है एज़ कम्पेयर टू iPad 9 जनरेशन। आपको Xiaomi Pad में मल्टीटास्किंग में मज़ा आएगा। ठीक है, डिस्प्ले की मैं क्वालिटी की बात करूँ तो Xiaomi Pad 6 की जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया है iPad 9 जनरेशन के कंपैरिजन में। 550 nits की ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है। ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में गाइज आपको Xiaomi Pad काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस आपको देगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको करवाएगा Xiaomi Pad 6। चाहे आप मूवीज़ देखो, चाहे आप गेमिंग वगैरह कुछ भी करो, तो ओवरऑल एक पॉइंट जाता है अपना Xiaomi Pad 6 को। ठीक है, अपना डिस्प्ले के मामले में Xiaomi Pad 6 काफ़ी अच्छे अच्छा एक्सपीरियंस आपको देगा। बात करते हैं प्रोसेसर के मामले में, तो iPad 9 जनरेशन के अंदर आपको मिलता है एप्पल की तरफ से आने वाला एप्पल A13 बायोनिक चिप, जो कि एक 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस मैं क्या ही बताऊंगा, इस अभी के टाइम पे किलर परफॉर्मेंस है। जबकि गाइज ये 4 साल पुराना प्रोसेसर है, 2019 में लॉन्च हुआ था ये प्रोसेसर, एंड आज की डेट में भी इसकी परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ किलर परफॉर्मेंस है। बिकॉज ऑफ गाइज देखो, iPad 9 जनरेशन आपको न्यू आज की डेट में नहीं मिलेगा, आपको सेकेंड हैंड परचेज करना पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट अराउंड 23,000 रुपीज़ आएगी। 17,000 से 23,000 के बीच में आपको इसकी प्राइसिंग देखने को मिलेगी सेकेंड हैंड मार्केट में। एंड मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ गाइज, इस प्राइस रेंज में इससे बेस्ट आपको कोई भी आईपैड परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ A13 बायोनिक चिप आज की डेट में भी किलर है, 60fps कॉन्स्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं। एंड मेरे iPhone 11 की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो अभी कॉन्स्टेंट नहीं थी, बट अभी कुछ अपडेट्स के बाद ये iPhone 11 की जो परफॉर्मेंस है वो नॉर्मल हो चुकी है, क्योंकि iOS 17 पे जिसने अपडेट किया था उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं आके दे रही थी। एंड गाइस देखो, आपने भी देखा होगा, आपने भी सुना होगा, iPhone 11 की जो परफॉर्मेंस है एक अनदर लेवल पे थी एक टाइम पे, एंड अभी भी है, बट जिन लोगों ने अपडेट नहीं किया उनके लिए कोई नहीं, आपको मैं पहले ही बता दूं कि धीरे धीरे अपडेट के बाद अपना iPhone 11 भी स्टेबल हो जाएगा, तो ये डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं Xiaomi Pad 6 के प्रोसेसर की। तो इसके अंदर गाइज आपको Snapdragon की तरफ से आने वाला 870 वाला चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 7nm पे बेस्ड है। एंड साथ ही साथ में गाइज अगर देखा जाए तो ये अपना जो प्रोसेसर है Snapdragon 870 A13 से टेक्निकली काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करता है, काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस हैं इसके अंदर। बट गाइज जहाँ अगर बात करें हम कम प्रैक्टिकली मीन्स की परफॉर्मेंस किस में अच्छी निकल के आएगी, तो वो बात आ जाती है गाइज पूरी तरीके से डिपेंड वो प्रोसेसर पे नहीं रहता, वो चीज़ डिपेंड होती है अपना ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर। एंड ऑप्टिमाइजेशन के मामले में एप्पल बहुत आगे जाता है एंड्रॉयड से, समझ लो बहुत आगे जाते हैं। बिकॉज ऑफ गाइज मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं Xiaomi Pad 6 के, काफ़ी रिव्यूज़ देखे हैं गेम प्लेज वगैरह, TDM में 60fps कॉन्स्टेंट देता है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। बट गाइज जहाँ बात आ जाए क्लासिक्स की, ठीक है, मीन्स अगर आप नॉर्मल क्लासिक्स की बात कर रहे हो, नॉर्मल क्लासिक्स
मैंने इतने ज़्यादा रिव्यूज़ देखे हैं एंड गाइज वो इतनी नूब लॉबी में खेलते हैं FPS मीटर लगा के, जो कि एकदम बकवास लॉबी होती है। तो उस लॉबी में गाइज ये Xiaomi पैड आपको काफ़ी घटिया परफॉर्मेंस देता है। बिकॉज ऑफ गाइज देखो मैंने ड्रॉप देखे हैं इसके, तो ये 30 FPS से लेकर 60 FPS के बीच में ड्रॉप करता रहता है। दो पहले मैचेस तक तो आपको मेंटेन करके देगा परफॉर्मेंस अराउंड 55-50 FPS तक रहेगा, ठीक है। मीन जैसे ही 2-3 मैच और खेलोगे थोड़ा सा टेम्परेचर इसका बढ़ेगा, देन क्या होगा कि इसकी जो परफॉर्मेंस है पूरी तरीके से गिर जाएगी, आपको 30 FPS तक का ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मैं आपको यही बोलूँगा कि गाइज अपना Xiaomi पैड इतना ऑप्टिमाइज गेमिंग के लिए नहीं है। एंड गाइज देखो बेसिकली ये मिड रेंज में आते हैं, मिड रेंज की प्राइसिंग में आते हैं। तो Xiaomi पैड गाइज अपना गेमिंग के लिए बना भी नहीं है, बिकॉज ऑफ गाइज ये बना है अपना स्टूडेंट्स वगैरह के लिए। एंड मैं अगर बात करूँ स्टूडेंट्स वगैरह की, तो उन सब के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। जो भी मतलब अपने स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए तो बेस्ट है। एंड गाइज मैं बात करूँ मैं अपने ओपिनियन की, तो एक मेरा ओपिनियन ये निकल के आता है कि अगर आप एक स्टूडेंट नहीं हैं, मीन्स अगर आप एक गेमर हैं, यूट्यूबर हैं, चाहे आप यूट्यूब कंटेंट क्रिएटिंग वगैरह करते हैं, तो देन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि Xiaomi पैड 6 की तरफ आप देखना भी मत। बट अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको यूट्यूब वगैरह से कोई मतलब नहीं है, वीडियोज़ वगैरह पोस्ट करने से मतलब नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम पास के लिए आप गेमिंग करते हो, मूवीज़ वगैरह देखनी है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि Xiaomi पैड 6 की तरफ जाओ। बट हाँ, अगर आपका इन फ्यूचर गेमिंग में आने का कोई भी मतलब बनता है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि गाइज अपना 9th generation की तरफ जाओ। बिकॉज ऑफ गाइज देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ, ओवरऑल जितनी भी परफॉर्मेंस है, ऊपर की जो परफॉर्मेंस है उसमें आपको Xiaomi पैड 6 काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस, काफ़ी अच्छी चीज़ें निकाल के दे देगा। बट जहाँ बात आ जाएगी हैवी एप्लीकेशंस की, चाहे एडिटिंग हो गया, चाहे कोई भी काम हो गया, एडिटिंग हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया, हैवी मल्टीटास्किंग करोगे, तो उसमें आपको iPad 9 जनरेशन काफ़ी स्टेबल परफॉर्मेंस देगा। बट जहाँ पे बात आ जाए Xiaomi पैड में आप हैवी चीज़ें करोगे तो आपको एक स्टेबल परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, बिकॉज ऑफ इसकी ऑप्टिमाइजेशन, Xiaomi की ऑप्टिमाइजेशन MIUI बेस्ड है, तो सबसे घटिया OS लगता है मेरे को ये। एंड ये सच भी है गाइस, सबसे घटिया OS है, तो ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसका अच्छा नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिकेशंस के मामले में मैं मानता हूँ काफ़ी अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशंस देता है, बट जहाँ बात आ जाए परफॉर्मेंस की, तो गाइज वहाँ पे अपना iPad 9 जनरेशन ही बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देगा आपको, ठीक है। तो ये तो गाइज होगी परफॉर्मेंस की बात, एंड ये था मेरा ओपिनियन, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आपको क्या परचेस करना है। तो ओवरऑल आपको 2-3 चीज़ें और मैं बता देता हूँ। तो बैटरी की मैं बात करूँ तो गाइज 8557 mAh की बैटरी है। इसके अंदर आपको 20W का चार्जर देखने को मिलता है, मतलब अगर आप परचेज करने जाओगे या फिर इनबॉक्स आपको 20W का चार्जर ही मिलेगा। बात करूँ गाइज मैं Xiaomi पैड 6 की, तो 8840 mAh की बैटरी है, 33W का चार्जर है। ओवरऑल यहाँ पे अपना Xiaomi पैड 6 काफ़ी अच्छा आपको बैकअप भी देगा, साथ ही साथ में आपको चार्जिंग स्पीड भी Xiaomi पैड 6 में ज़्यादा मिलने वाली है। कैमरे की मैं बात करूँ तो 8MP का आपको बैक कैमरा मिलेगा iPad 9 जनरेशन में। 1080-60 FPS तक की रिकॉर्डिंग कर पाओगे, 4K तक का कोई सपोर्ट नहीं है। 12MP का कैमरा आपको मिलता है फ्रंट साइड में, एंड सेम वीडियो क्वालिटी रहने वाली है। बात करें Xiaomi पैड 6 की, इसके अंदर गाइज आपको कैमरा में बैक कैमरा 13MP का मिलता है, 4K 30 FPS तक की रिकॉर्डिंग आप बैक कैमरे से कर सकते हो। एंड फ्रंट कैमरे की मैं बात करूँ तो 8MP का फ्रंट कैमरा है, 1080p पे 30 FPS की रिकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हो। एट द एंड गाइज दोनों के वेट की मैं बात करूँ तो 500 grams का आपको iPad 9 जनरेशन देखने को मिलता है, एंड 498 grams का आपको Xiaomi पैड 6 देखने को मिलता है। ओवरऑल दोनों का वेट सेम ही है, 2 ग्राम का फ़र्क है, 2 ग्राम तो कुछ भी नहीं होता गाइज, तो ओवरऑल वेट भी सेम है दोनों का। तो प्रैक्टिकली गाइज मैं आपको यही बोलूँगा कि Xiaomi पैड 6 स्टूडेंट्स वगैरह के लिए परफेक्ट है, ये आप ले लो, बढ़िया रहेगा आपके लिए। बट जो स्टूडेंट नहीं है, जो मेरी तरह गेमर्स हैं, यूट्यूबर हैं, चाहे कुछ भी हैवी काम करते हैं, तो उनके लिए गाइज iPad 9 जनरेशन बेस्ट है। तो खैर गाइज यही थी हमारी आज की कुछ वीडियो, तो मिलते हैं आपको एक और ऐसी न्यू वीडियो के साथ वापस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।